तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक हिडन ट्रिक बताने वाला हूं, या फिर बोल सकते हैं एक सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको टिप बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ यूजफुल टिप बताने वाला हूँ, या हो सकते हैं सिक्योरिटी टिप बताने। दोस्तों ये टिप ये है, आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे एच पैनल का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग सैमसंग गैलेक्सी में जिनको एच पैनल का नाम पता है वो सब एच पैनल को यूज करते हैं। और इस एच पैनल में क्या करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें एक ऑप्शन होता है, या बोल सकते हैं एक इसमें पैनल होता है क्लिप वॉट का। आपको पता होगा क्लिप कार्ड का इसमें एक पैनल होता है। उस क्लिप कार्ड में होता क्या है, हम जो भी चीज़ कॉपी करते हैं, लाइक हम कहीं पासवर्ड या बहुत सारी चीज़ हम ऐसी कॉपी कर लेते हैं जिसको हम बाद में कहीं पेस्ट आउट कर सकते हैं, सब आपका यहाँ पर क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। आप दिख रहे होंगे सब आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। बट होता क्या है, ये तो हम अभी एक्सेस कर रहे हैं, और अगर मान लो हमने मोबाइल लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद भी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। आप देख रहे होंगे लॉक होने के बाद भी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ऐसी सिक्योरिटी के लिए दिक्कत वाला है। मान लो हमने कोई क्लिप बोर्ड में या क्लिप बोर्ड जो भी हमने कॉपी करा हो, हमने कोई उसमें पासवर्ड को सेव करा हो या किसी और कुछ चीज़ हमने वहाँ पर सेव करी हो, कोई भी उसको पढ़ सकता है क्लिप बोर्ड या बोल सकते हैं लॉक स्क्रीन में जाके। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए इशू है, तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं या बोल सकते हैं उसको भी हाइड कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है एज पैनल वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको जाना है एज मोड पे, सॉरी आपको जाना है एच पैनल्स पे। एच पैनल पे जाने के बाद आपको जाना है पैनल्स पे, पैनल पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट्स पे, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर हाइड ऑन लॉक स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब ये फीचर कैसा काम करेगा आप ये देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कर रहा है, लिखा हुआ साफ साफ, चूज पैनल टू हाइड कॉन्टेंट ऑन लॉक स्क्रीन वेन यू आर यूजिंग अ सिक्योर स्क्रीन लॉक टाइप। मान लो कि मेरे को यहाँ पर सब कुछ, मान लो मेरे को यहाँ पर सब कुछ लॉक करना है, तो खाली बस मुझे वहाँ पर क्या दिखे, कैलकुलेटर दिखे और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, क्विक नोट्स मिल जाए, बाकी सब यहाँ पर लॉक आउट हो जाए, सब लॉक हो जाए। जैसा कि मैंने सबको यहाँ पर टिक कर लिया, सिर्फ मुझे कैलकुलेटर पैनल दिखे और क्विक नोट्स वाला पैनल वहाँ पर दिखे। अब मैंने इसको इनेबल कर लिया और मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आने के बाद अगर मैं अभी नॉर्मल स्क्रीन पे हूँ, बोल सकते हैं मोबाइल को अनलॉक करके चला रहा हूँ, तो यहाँ पर सारे मेरे जितने भी पैनल्स मैंने लगा रखे हैं सब यहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर लॉक करूँगा, लॉक करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही एक्सेस होगा, या दो जो मैंने वहाँ पर एक्सेस कर रखे हैं वो दो ही दिखेंगे, बाकी सब में क्या बोलेगा, अनलॉक योर फ़ोन टू व्यू दिस ऐप, अनलॉक योर फ़ोन टू व्यू दिस ऐप नोटिफिकेशन एच, अनलॉक योर फ़ोन टू व्यू विजिट एजर्ट, अनलॉक योर फ़ोन टू कैलेंडर, ये सब चीज़ें यहाँ पर लॉक आउट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही सिक्योरिटी के रिहायश से बोल सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। ऐसे ही सैमसंग से रिलेटेड टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो नोटिफिकेशन लाइक उनको भी दबा देना। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू।